एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नदियों की सफाई के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट की जीवनदायिनी कही जाने वाली मां मंदाकिनी नदी में दर्जनों गंदे नालों का पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर चित्रकूट जिला प्रशासन ने मंदाकिनी नदी में नालों का गंदा पानी न गिरे इसके लिए शेवर प्लांट भी लगवाया है और उसमें लाखों की कीमत का जनरेटर भी लगा है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी वो जनरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और ना ही आज तक सीवर प्लांट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यह सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रहा है। आपको बता दें कि धर्मनगरी चित्रकूट में हर महीने अमावस्या मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बावजूद मां मंदाकिनी नदी में दर्जनों गंदे नालों का पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को मजबूर होकर इसी प्रदूषित पानी में आस्था की डुबकी लगाने को मजबूर है। ये जनरेटर जो है संप बिल में जब से लगाया गया है तब से आज तक चला ही नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां और क्या होंगी। तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए लागत का 200 केवीए का जनरेटर है ये, और पिछले 10 सालों से ये सफ़ेद हाथी बनकर खड़ा है। जिस समय से संप बिल शुरू हुआ तब से लेकर आज तक ये कभी एक बार भी चला नहीं। हाँ, यह जरूर हुआ कि 3-4 बार इस एक दशक में 3-4 बार नदी में बाढ़ आई, तो नदी की बाढ़ से ये डूब चुका है और अगले साल 2 साल बाद अब ये नीलामी की पोजीशन में आ जाएगा। ये है सरकारी योजना, इस किस प्रकार जो है जनता के धन का इसमें दुरुपयोग हो रहा है, इसकी ये वानगी है जनरेटर।